हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को क्लास 10 की संपूर्ण मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज आप सभी को हल कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड के परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, 2024 के बोर्ड के परीक्षा में 100% इन्हीं सभी सवालों में से आपके बोर्ड के परीक्षा में आने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न को संपूर्ण हल करा के आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल है। यदि बिंदुओं 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो यक्स का मान होगा, यानी कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है। फ्रेंड्स देखिए, जब दो बिंदु दिया रहेगा तो आपको पहले पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। देखिए, दो बिंदु संपूर्ण हल बताएंगे फ्रेंड्स, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी, देखिए फार्मूला इसका होता है करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब दो बिंदु दिया रहता है तो पहले वालों को x1 मान लीजिएगा और दूसरे वाले को y1, यहाँ x2 और y2 का ये मान होता है, ठीक है। अब यहाँ बिंदु में बस रख लीजिए और रखने के बाद इसको हल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 5 इकाई ना। यहाँ पे आप क्या कीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे 5 रख लीजिएगा, रखने के बाद इसके मान को रख लीजिए। देखिए कितना दिया, x1 का मान 4 - x2 का मान 0 का होल स्क्वायर कीजिए प्लस y1 का मान कितना है 0 - y2 का मान कितना है x का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 5 लिखिए करड़ी में, ठीक, 4 में 0 करेंगे 4 का स्क्वायर, यह घटेगा तो -x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जब दोनों पक्षों का इस साइड करड़ी है तो करड़ी हटाने का नियम है कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग ले लेंगे। क्या करेंगे, वर्ग लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, यानी 4 का स्क्वायर होगा प्लस -x का स्क्वायर होगा, ठीक है। करड़ी हट गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 लिखिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 हो गया, 16 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा 9x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करड़ी लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है x, तो x का मान कितना आया आपका, 3 आया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, x का मान कितना आया था आपका, 3 ना। यहाँ पे कौन सा सवाल से इसका सही ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों का आपको डिटेल में हल करके समझाने वाले हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि दो संख्याओं का मसा 27 है तथा उनका लसा 62 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तब दूसरी संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, पहले फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा, ये होता है मेन फार्मूला। इस पे 100% फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। देखिए पहली संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है मसा, जहाँ पे मसा दिया है 27 तो 27 लिख लीजिए, लसा कितना दिया है 62 तो 62 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक संख्या दिया है 54, तो यहाँ 54 लिख लीजिए, और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर दूसरी संख्या इसी तरह लिख लीजिए, ठीक है, दूसरी संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी संख्या बराबर कितना लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर देखिए कितना 27 - 62। अब देखिए गुणा में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका बटा में आ जाएगा, है ना, कितना है 54 है तो 54 कर लीजिए, कितना है 54 है तो 54 कर लीजिए। अब इसी को हल कीजिए, देखिए 9 * 3 = 27, 9 * 6 = 54, देखिए 3 * 3 = 3, 3 * 2 = 6, अब 2 से 62 कटाए, 2 * 2 = 2, 2 * 3 = 6, 2 * 2, यानी कि दूसरी संख्या कितना आया 31, कितने आया फ्रेंड्स 31। अब ऑप्शन में देखिए 31 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन में ध्यान देगा तो कौन सा सही जवाब होगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से सवाल को लगाना था आपको। अब देखिए फ्रेंड, तीसरे नंबर के सवाल को हल करते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल आप कैसे हल करेंगे। देखिए फ्रेंड, सवाल आपका है कि 2 tan 30° अपान 1 plus tan²³० का मान होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले आपको पता होना चाहिए कि 30 tan 30° का मान होता कितना है, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। और इसका देखिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, इसको भी यदि आप पता है, आपको कई बार ये प्रश्न करवा चुके हैं। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, इसे याद रखिएगा, 2 tan θ अपान 1 plus tan θ बराबर होता है आपका, देखिए 2 tan θ अपन 1 plus tan²θ, ये इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं sin²θ। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट sin²θ। ये पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो देखिए आपको इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, आपको पूरा हल करके बताते हैं, संपूर्ण हल, तब उसके बाद ट्रिक बता देंगे आपको ना। देखिए देखिए 2 × 10³० का मान कितना होता है, 10³० का फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि 1/3 होता है, 1 plus 10³० का मान 1/3 का स्क्वायर। देखिए ये कितना, 2/3 हो जाएगा और इसके बटा में 1 plus, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 का करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2/3 हो जाएगा अपान, इसको भिन्न की तरह हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 plus 1/3 होगा, यानी कि 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 plus 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2/3 है, अब इसको हल कर 3 है कितना हो जाएगा, 4/3। देखिए 2/3 होगा और गुणा करेंगे तो ये भिन्न नीचे का प्लॉट हो जाता है, ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो 3/2 में कितना है आपका 3। अब देखिए हर में कभी कड़ी का मान नहीं होना चाहिए, कड़ी का मान हटाने के लिए परिमिक्रण करेंगे, तो परिमिक्रण करने का मतलब होता है जितना आप लिखा इसी का अंश में, यानी कड़ी 3 का अंश में गुणा करेंगे और कड़ी 3 का हर में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 3 का कड़ी 3 में करेंगे तो 3 कड़ी 3 हो जाएगा अपान, ये 2 है और कड़ी 3 और कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो आपका कड़ी हट जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, कड़ी में 3/2। अब देखिए फ्रेंड्स कड़ी में 3/2 आया तो आप कैसे पता करेंगे किसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको पहले पता होना चाहिए sin 60° का मान कितना होता है, तो कड़ी में 3/2 आपको पता है, cos 60° का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको पता है cos 60° का मान 1/2 होता है, tan 60° का मान होता है कड़ी में 3, sin 30° का मान होता है 1/2। अब देखिए फ्रेंड्स कड़ी में 3/2 आया, जिसमें कौन सा सही जवाब होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जो आपको ट्रिक बता रहे थे, ट्रिक क्या था कि डायरेक्ट यदि आपको फार्मूला पता रहता ना, जैसे आपको बताया 2 tan θ 1 plus tan²θ को हम लिख सकते हैं sin²θ, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको उतना हल करने की जरूरत नहीं था, sin²θ की जगह कितना है 30° है, तो यहाँ पर 30 रख लेते हैं, और साइन कितना होता है 30 × 60, यह डायरेक्ट आप फार्मूला पे लगा सकते थे इसे। ठीक है, यदि आपको ये फार्मूला पता रहता तो आपको मुश्किल से 1 सेकंड लगता, मौखिक भी लगा सकते थे, जिसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है और कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चौथा, देखिए यदि समीकरण 3x²-12x+m = 0 के मूल बराबर है तो यम का मान, देखिए यहाँ पे मूल बराबर है ना, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन के, जब मूल बराबर होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए यहीं पे हल कर देते हैं, मूल बराबर होता है तो फार्मूला होता है b²-4ac = 0 होता है। देखिए मूल बराबर होता है तो ये फार्मूला होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप यदि तुलना करते हैं तो ये a का मान होता है, आपको सभी पढ़ा a का मान ये होता है, b का मान ये होता है और c का मान ये होता है, तो यहाँ पे b a और c का मान रख लीजिए, b की जगह कितना रखना है आपको -12 है, तो -12 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 × 1 की जगह कितना है 3 है, और c की जगह कितना है यम है तो यम रख लीजिए, और इसी को आपको क्या करना है, सिर्फ हल करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस की स्क्वायर आपको पता होगा हमेशा कि क्या होता है, प्लस में आता है। ठीक है, देखिए 4 × 3 = 12 यम हो जाएगा और बराबर 0। अब क्या करेंगे, 12 यम की सब पक्षांतर कीजिए, 144 पक्षांतर करेंगे तो 12 यम हो जाएगा, आपको यम का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 144 और 12 नीचे आ जाएगा तो यम हो जाएगा। अब 12 से देखो 12 × 12 = 12 का 144 में भाग देंगे 12 बार में कटेगा तो यम बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे बताएं इसी तरह आपको बोर्ड के एग्जाम में आप हल करके आपको क्या करना है कि इसका सही ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, आपका ये सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लगाना है। अब चलिए ना फ्रेंड्स 5वां नंबर का सवाल देखते हैं।
देखिए क्या है फ्रेंड्स ये प्रश्न कि समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के कोई हल नहीं है। ये कंडीशन होता है फ्रेंड्स, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि जब ये कोई हल नहीं होता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अब जब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जब ये कंडीशन दिया रहता है जब कोई हल नहीं होता है तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है ए वन बटा के ए टू बराबर होगा बी वन बटा के बी टू बराबर होगा सी वन बटा के सी टू। लेकिन देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इज नॉट, ऐसे होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे बताना है आपको, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स इन ऑप्शनों के बारे में भी बता देते हैं। देखिए ए वन बटा के ए टू इज नॉट बी वन बटा के बी टू, तो इसका मतलब होता है कि अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा इसका, क्या होगा, एक हल, ठीक है। और देखिए इसका जब ए वन बटा के ए टू बराबर बी वन बटा के बी टू बराबर सी वन बटा के सी टू रहेगा तो इसका मतलब होता है कि अनंत हल होगा। कितना होगा, अनंत। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत पूछता है आपके पेपर में और इसको लिखना होगा, एक जगह लिख लीजिएगा ना, अनंत हल होगा, ठीक है। इस ऑप्शन के बारे में बता ही दिए हैं कि ए वन बटा के ए टू बराबर बी वन बटा के बी टू इज नॉट सी वन बटा के सी टू रहेगा, इसका मतलब होता है इसका कोई हल नहीं होगा। और ये आपके सवाल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब ये आपका कोई सवाल मतलब नहीं बनता है सवाल ना, मतलब ये तीन फार्मूला आपका है कि ये होगा तो अद्वितीय हल होगा, ये होगा तो कोई हल नहीं होगा, ये अपान बनेगा अनंत हल होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे लगाना, बस एक बार ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब वो क्या करता है, घड़ी जैसे ये होता है यहाँ पे आपका मान लीजिए 12 पे आपका सुई है तो एक चक्कर ये लगाएगा ना तब 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में जब एक चक्कर लगाए तो कितने अंश का कोण बनेगा, एक चक्कर जब कोई चीज़ घूमता है तो 360 अंश का कोण बन जाता है। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे एक मिनट में निकालिए कि एक मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, तो एक मिनट क्या होगा 360 और 60 का भाग दे देंगे कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा 6 बार में, कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का। अब देखिए फ्रेंड्स आपके सवाल में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देगा, तो पहले 1 मिनट का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 5 दिया है तो 5 मिनट में निकालिएगा, 5 मिनट में कोण कितने अंश का बनेगा, तो 5 मिनट में क्या करेंगे, जब 1 मिनट में इतना बना है तो 5 मिनट में तो 5 × 6 कर लीजिए, तो 6 × 5 = 30 अंश, कितने अंश का कोण बनाएगा, तो 30 अंश। तो जो ये 5 मिनट में कोण बना रहा है ये थीटा का मान हुआ, कितना होगा, 30 अंश थीटा का मान। अब देखिए फ्रेंड्स त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है देखिए फ्रेंड्स थीटा बटा के 360 और गुणे क्या हो जाता है, देखिए अब घड़ी वृत्त के वृत्त में घूम रहा है ना, पूरा एक वृत्त में पूरा घूमेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स थीटा का मान कितना दिया है, 360 दिया है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों थीटा का मान 30 अंश आया ना, तो 30 अंश रखिए और 360 और गुड़े पाई आर स्क्वायर, देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 से कितना होगा, 3 × 3 × 2 = 6 यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा के 12। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा के 12। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर बटा के 12 दिया कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स जब इसको पढ़ेंगे देखेंगे ऑप्शन ध्यान से, तो पाई आर स्क्वायर बटा के 12 तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे लग रहा है सवाल ना, तब सिंपल तरीका से इसी तरह फ्रेंड्स आपको लगाना है, समझ में आ गया ना। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल में फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए 7वां नंबर का क्या है कि यदि प्राकृतिक संख्या n के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 2 × 7 है तो प्राकृतिक संख्या n में आने वाले निरंतर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी ना, यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी मतलब कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे लगाना है, देखिए फ्रेंड्स आपको जब शून्यकों की संख्या पूछेगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शून्यकों की संख्या
जब शून्यकों की संख्या आपसे जब भी पूछे फ्रेंड, तो आपको देखिएगा 2 × 5 कहाँ प्यारा, कितना जोड़ा इसका बन रहा है, 2 × 5 2 × 5, जितना जोड़ा बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उतने शून्यकों की संख्या होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए 5 × 2 करेंगे 5 × 10, इसमें कितना आ रहा है शून्य, 0 आ रहा है कि नहीं जा रहा, 0 आ रहा। इसी तरह आपका 100 आता, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता, 1 × 2 शून्य की संख्या हो जाता। अब यदि यहाँ पे रहता 1000 और 10000 हो जाता, इसमें शून्य की संख्या कितना होता, देखिए 1 2 3 4, ये होता 4 शून्य, और यहाँ पे होता 2 शून्य, यहाँ पे कितना होता 1 शून्य, मतलब शून्य का मतलब होता कितना शून्य आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब 2 × 5 गुणा करेंगे तभी तो 10 आ रहा है। यही कहा जाता है कि शून्य की संख्या जब भी आपको पता करना रहेगा तो 2 × 5 का जोड़ा दिखा जाता है, कितना जोड़ा उसमें बन रहा है, जितना बनेगा उतने 0, जैसे 2 × 5 एक जोड़ा बनेगा तो 1 शून्य होगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए इस सवाल को लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सवाल है, 2 × 3 3 × 2 5 × 2 = 7। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 × 3 है, यहाँ 5 × 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यहाँ पे 3 को कैसे 3 × 3, अब 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 विस्तार से 7। अब जोड़ा बनाइए, कितने जोड़ा बन रहा है, देखिए यहीं पे देख लेते हैं, 1 2 है, 1 5 है, तो 1 जोड़ा बन रहा है, 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे है, तो कितने जोड़ा बन रहा है, 1 और ये 2, मतलब देखिए 2 × 5, देखिए 2 × 5 2 × 5, और फिर लिखेंगे तो क्या हो जाए 2 × 5, ठीक है। देखिए इसको लिखिए इसके साथ में, इसको लिखिए इसके साथ में, और जो शेष बच रहा है उसको लिखिए। देखिए ये यहाँ से 2 × 3 2 × 3 × 3 × 7, देखिए फ्रेंड्स आपको शून्यकों की संख्या बताना रहेगा, तो इधर से इसको आप सब मतलब नहीं, बस यहाँ पे देखना कितना जोड़ा 2 × 5 का बना, तो 1 2, तो जब 2 का जोड़ा बनेगा तो शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 2 × 0 का आएगा। आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि इन सबका आपस में गुणा करके देख सकते हैं, 5 × 10 50 और 100 हो जाए, कितना होगा 100, तो कितना शून्य आ रहा है 2, तो आप कितना गुणा करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से आप पता कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे शून्यकों की संख्या निकल रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला नंबर 8वां नंबर का सवाल है, ये कैसे आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर का सवाल आपको अभी बताएं, ठीक है, लेकिन देखिए फिर आ रहा है, इस सवाल को फिर बता रहे हैं आपको, 3.0 तथा 0.y के बीच की दूरी 5 है, तब y का मान होगा। देखिए फ्रेंड्स, दो बिंदु के बीच की दूरी, देखिए अब फार्मूला इसका लिख लेते हैं, x1 − x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 − y2 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है फ्रेंड। दो बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है, 5, यहाँ 5 रखिए, देखिए 5 करड़ी में x1 का मान कितना, देखिए ये क्रम से अपने से मान लीजिएगा x1 y1 x2 y2, ये माना जाता है अपने से, ठीक है। जब मान लेंगे तो यहाँ मान रख लीजिए, x1 का मान कितना है 3 − x2 का मान 0, स्क्वायर कर लीजिए, y1 का मान कितना है 0 − y2 का मान कितना है 1, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कड़ी आपको हटाना है तो क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों को वर्क कर लीजिए, ये दोनों पक्षों को वर्क कर लेंगे, ठीक है, 5 × 2 = 50 हो जाएगा। यहाँ देखिए जब स्क्वायर तो कड़ी हट जाएगा, और 3 में से 0 कटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कटाएंगे तो −y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप लिखेंगे 25, 3 का स्क्वायर 9, ये −y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा, y² रहेगा, ठीक है। 95 करेंगे 25 − 9, ये y² घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 y². अब देखिए स्क्वायर हटाने के लिए अभी बताएंगे कर्ड लेना पड़ता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 4, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आया 4 आया, तो इस तरह आपको क्या बताना था यहाँ पे कि y का मान कितना होगा, तो y का मान कितना आपका आया 4 आया है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अगला सवाल क्या है आपका, कि यदि 2 त्रिभुजों ABC तथा PQR में AB/QR बराबर BC/PR बराबर CA/PQ है तब, तो फ्रेंड देखिए ये आपको इसको पढ़ने से पहले इसको बता देते हैं कि जब आपका ये अनुपात दिया हो, देखिए यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। देखिए जब ये अनुपात यहाँ पे दिया हो ना, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बस ये कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बस इसको समझना है आपको, BC/PR और CA/
पी क्यू इस तरह दिया हो। ये हमेशा समझिएगा कि ए बी सी बन रहा, ऊपर देखिए ए बी सी आ रहा है ना, इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा और नीचे पी क्यू आर बनेगा, पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक है। ये जब अनुपात आपस में बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है, समरूप का चिन्ह ये होता है। अब ये क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो गए। अब चलिए इसको मिलाते हैं, देखिए कहाँ पे है त्रिभुज ए बी सी, जब ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तो यहाँ पे देखिए क्या है, त्रिभुज सी ए बी लिखा है और बी सी ए लिखा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज ए बी सी लिखा है और पी क्यू आर लिखा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ए बी सी पहले लिखा है ना, इसलिए कि जब ऊपर आपका भुजा ए बी सी में से लिया गया ए बी, तो ये पहले होना चाहिए त्रिभुज, तो मैं देखिए पहले ये पी क्यू आर पहले दिए, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, इसमें पी क्यू आर दिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बी सी ए दिया है और पी क्यू आर दिया है, यहाँ पे सी ए बी दिया है और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है, इसलिए कि आपका सी ए बी पढ़ सकते हैं या बी सी ए पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने के ऊपर होता है त्रिभुज का नाम। चलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है ना, इसलिए कि आपको ए बी सी और पी क्यू आर दोनों में से कोई एक लेना था, तो इसमें आपका ये वाला सही जवाब होगा। समझ में आ गया ना कि जो त्रिभुज जो भुजा ऊपर रहेगा वही त्रिभुज आपको पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स चलिए अगले नंबर दसवां नंबर का सवाल देखते हैं, दसवां नंबर का ध्यान से देखिएगा, दसवां नंबर है क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या है कि समान आधार त्रिज्या आर वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोला को उनके आधारों को अनुदिश जोड़ दिया जाता है, इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ठोस मतलब अर्धगोला बनाया गया, इस तरह अर्धगोला बनाया गया है, ठीक है, इस तरह अर्धगोला, और ठीक फिर कह रहा है कि समान आधार आर त्रिज्या वाला दो सर्वसम ठोस अर्धगोला है, एक ऐसे बनाया जा रहा है अर्धगोला, ये है ये अर्धगोला हो गया। अब इसको कह रहा है कि आपस में जोड़ दे, तो फ्रेंड्स देखिए जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा ना अर्धगोला, ये क्या बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा दोनों आपस में, तो क्या होगा, एक गोला हो गया। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², इसमें सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तो फार्मूला डायरेक्ट था आपका, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर के सवाल को देखते हैं, यदि लसद या 77.19 यानी 77.19 का मतलब होता है कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसका दिया है कि लसद 693 है, मौसा 77.99 है, यानी मौसा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी बताएं कि पहली संख्या, चलिए यहीं पर कर देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुड़े लस, यही होता है ना, आपको क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। देखिए पहली संख्या कितना है, 77 है, 77 कर लीजिए, दूसरी संख्या कितना है, 99 है, 99 कर लीजिए, मौसा मौसा मतलब ज्ञात करना है, मौसा मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो मौसा गुड़े लसा कितना दिया है इसका, 693। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, देखिए 77 × 99/693। देखिए ये कटाइए 9 से, अरे 9 से 11 से, 11 99, यहाँ से देखिए 11 × 6 = 66, 11 × 3 = 33। अब देखिए कितना से कटाएंगे, 9 × 1 = 9, 7 = 63, 7 से कटाए 7 से 77 कराएंगे, कटाएंगे 11 बार में, यानी कि मौसा आपको कितना आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका मौसा कितना आया हल करने के बाद, देखिए मौसा आ गया आपका 11। ये आपको बहुत विस्तार से बताया फ्रेंड्स, आपको बहुविकल्पी करना, तो इसी तरह आप कर लीजिएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे लगाया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मौसा गुणे लसत, इसी तरह पक्षांतर करके इस सवाल को आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 52 नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, कि जब वस्तु प्रेक्षक की आँख के ऊपर की ओर स्थित हो, तो प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आँख से ऊपर उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है। फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु प्रेक्षक की आँख के ऊपर की ओर, मतलब वस्तु कहाँ पे, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे है और आपका आँख कहाँ पे, ये मान लीजिए आपका आँख यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके है, इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि जो आपका कोण बना, यानी कि नीचे से क्या करें, वस्तु को ऊपर है ना, तो नीचे से वस्तु को ऊपर देखते थे, यहाँ कौन सा कोण बनता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को ये डिटेल में बताए थे, जब ऊंचाई दूरी वाला आपको शार्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप बताए जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो बनता है उन्नयन कोण बनता है, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। अब यहीं पर कंसेप्ट सीख लीजिए, जब आप
किसी वस्तु को ऊपर से, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और यहाँ से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे यहाँ पे देखते हैं, तो जो यहाँ पे कोण बनता है फ्रेंड्स, ये होता है अवनमन कोण। क्या होता है ये आपका जो बनता है अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, जब नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर का सवाल आपके क्या है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए रेखा x माइनस वाई बराबर 8 किसी बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि यहाँ पे y अक्ष को कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप कंसेप्ट सीखिए, जब y अक्ष कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब y अक्ष कहेगा तो उस समय x का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 लेना पड़ेगा। बस इतने कंसेप्ट है सवाल में, यानी कि x का मान कितना लेना पड़ेगा आपको उस समय, 0। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, अब यहाँ पे x का मान 0 रख लीजिए तो यहाँ पे 0 हो गया, माइनस वाई बराबर 8 हुआ, तो माइनस वाई बराबर 8, तो ये वाई बराबर क्या होगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस 8 आ जाएगा। इस तरह अपन निर्देशांक, देखिए यक्स का मान वाई दिखाते हैं निर्देशांक ना, तो यक्स का मान 0 होता है, वाई का मान माइनस 8। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंसेप्ट और क्लियर कीजिएगा, जब वाई अच कहता है तो उस समय यक्स का मान 0 लेते हैं, लेकिन जब यही यक्स अच कहेगा, यक्स अच कहेगा, तो उस समय आपको वाई का मान क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा ना, तब आप जाके ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर का सवाल आप कैसे हल करेंगे, एकदम सिंपल है 14 नंबर का। देखिए आप ध्यान दीजिएगा 14 नंबर पे, कह रहा है 2 पे 3 घात गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 पे 3 घात गुणे 3 का लॉसा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स जब आपको लॉसा ज्ञात करना रहेगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। यहाँ पे दिया है 2 पे 3 3 गुणे 5, फिर इसके बाद दिया है 2 पे 3 घात गुणे 3। अब देखिए लॉसा का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है तो उसको लिखना ही है। देखिए दोनों में कॉमन 2 पे 3 घात है, 2 पे 3 घात लिखेंगे गुणे, जो 3 पे, ये देखिए 3 3 दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब 5 जो कॉमन नहीं रहेगा उसको तो लिखते ही है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जब आपको लॉसा ज्ञात करना होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको तो लिखना है, और जो नहीं कॉमन मिलता उसको भी लिखना है लॉसा ज्ञात करते समय। अब देखिए फ्रेंड्स लॉसा ज्ञात करेंगे तो आप इसका बस गुणा कर लीजिए। देखिए 2 पे 3 घात का मान कितना होगा, 8 होगा, तो 8 गुणे 3 गुणे 5, अब गुणा कर लीजिए। देखिए 5 ते 15 15 8 120, कितना आया लॉसा, 120 आया। तो इस प्रकार से सवाल को लगाना है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब देखिए 120 आया ना। अब ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो 120 यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे लगाना है सवाल को। अब देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर का सवाल आप कैसे लगाएंगे, बस ध्यान से देखिए, सवाल एकदम सिंपल है, आपको सभी प्रश्न सिंपल तरीका से बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर तथा ACBC पर शीर्षलंब 24 है तब BC का मान होगा। अब यहाँ पे BC का मान ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले नंबर तो देखिए समद्विबाहु का है ना, तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। ये मान लीजिए आपको क्या हो गया, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएँ बराबर है। यहाँ पर देखिए ABC, ठीक है, AC का मान कितना दिया है, ये भी 25 दिया है और ये भी 25 दिया है, AC ये भी, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि ACBC पर लंब शीर्षलंब डालना, यानी यहाँ से शीर्षलंब मतलब यहाँ लंब डालने का मतलब इधर 90 अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का, और इधर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब शीर्षलंब डाल रहे हैं तो शीर्षलंब की लंबाई कितना दिया है, 24, यानी कि ये जो दिया है आपका 24 दिया है, कितना दिया है 24, यहाँ चलिए हम डी मान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स BC का, यानी BC पूछ रहा है कितना लंबा होगा, तो इसका देखिए ज्ञात करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा, आपको बार बार बता रहे थे कि समकोण त्रिभुज को कैसे लगाना है, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो उसमें आपका हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है फ्रेंड्स। पाइथागोरस प्रमेय पता होगा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा, चलिए यहाँ पे नहीं हो पाया, यहाँ पे लिखते, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। अब यहीं पर रख के बस आपको हल करना है। देखिए कर्ण क्या है, चलिए इस त्रिभुज में निकालेंगे तो इसके लिए कर्ण क्या है, 25 है, 25 का स्क्वायर कर लीजिए। आधार कितना, आधार BD है तो BD का स्क्वायर कीजिए। लंब कितना है आपका, लंब 24, यही शीर्षलंब डाला भी गया है तो लंब कितना होगा, 24 का स्क्वायर। अब इसी को आपको हल करना है, देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ BD का स्क्वायर रहने दीजिए, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 524 कितना होगा फ्रेंड्स, 576 होता है ना, एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, 576 होगा। अब पक्षांतर कर लीजिए, देखिए 625
माइनस 576 बराबर बी डी का स्क्वायर। अब 625 में से कट जाते, 15 में 6 गया 9 होगा, यहाँ पर 11 में से तो 4 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, बी डी का स्क्वायर। अब देखिए फिर स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होता है, बी डी का कितना होगा बी डी होगा, मतलब कि स्क्वायर है तो बस ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी बी डी आया आपका कितना 7। अब देखिए फ्रेंड्स आपको बी डी तो पूछ नहीं रहा है, सवाल में पूछ रहा है बी सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए बी सी क्या होगा, बी सी जो होगा बी डी प्लस डी सी होगा। देखिए बी डी आया 7 तो डी सी, देखिए यहाँ से सलम डालेंगे मतलब सामने वाले भुजा को दो बड़ा भाग में बांटता है, यदि ये 7 आया है ये भी आपका 7 होगा, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि 14 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे सवाल को लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड अगला नंबर 16वां नंबर का सवाल है, अब देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका समझाएंगे इसे भी। देखिए समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 .. कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 210 है। अब देखिए फ्रेंड्स ये समांतर श्रेणी का सवाल है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का सवाल है, तो पहले नंबर पे देखिए जब भी समांतर श्रेणी देगा तो ये जो पहला लिखा होता है यहाँ पे ना, तो ये प्रथम पद होता है, क्या होता है प्रथम पद, और प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, ए बराबर कितना हो गया आपका 21 हो गया। फिर इसके नंबर पर सर्वांतर निकालते हैं, फ्रेंड जब भी आपको ऐसा सवाल देगा तो सर्वांतर आपको निकालना पड़ेगा, सर्वांतर डी से दिखाते हैं। देखिए सर्वांतर निकलेगा कैसे, आपको जो दो पास की संख्या होगा ना, तो इस संख्या अगली संख्या में से पहली संख्या घटाइएगा, यानी 42 में से क्या कीजिएगा 21 को घटाइएगा, जब घटाएंगे 42 में से 21 तो आपका आएगा 21, तो प्रथम पद भी 21 और सर्वांतर भी आपका 21 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा पद, हम मान लेते हैं कि यनवा पद कितना होगा 210। अब देखिए यनवा पद फ्रेंड्स फार्मूला इसका होता है कि यनवा पद बड़ा फार्मूला होता है ए प्लस कोष्ट में N1 माइनस इंटू कोष्ट में डी, ठीक है इस तरह डी बना लेंगे। यनवा पद 210 दिया था, यहाँ पे 210 रख लीजिए, ए का मान कितना है 21 है, 21 कर लीजिए, एन माइनस वन गुड़े डी का मान कितना है 21 है, यानी कि एन का मान यहाँ पे ज्ञात करना है आपको, पछांदा कीजिए 210 माइनस 21 हो जाएगा, यहाँ पे N1 - 1 गुड़े 21 घटाइए 10 में से 1 गया 9, यहाँ से 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे होगा N-1 गुड़े 21, 21 को पछांदा कीजिए कितना होगा 189 बटा के 21 बराबर N-1, ठीक है। अब देखिए 21 देखिए मतलब कितने बार, 9 × 9 = 18 यानी कि 9 बार, 21 × 21 और 9 बार में करें कितने बार में 9 बार में, तो 9 देखिए ये क्या है N-1 है, अब पछांदा कर लीजिए, देखिए 9 - 1 किधर करेंगे तो +1 हो जाएगा बराबर N, अब 9 कितना हो जाएगा 10, तो N बराबर कितना आया आपका 10 आया, यानी कि Nवां पद यानी 10वां पद आपको कितना होगा 210 होगा, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है आंसर में 10वां पद आ रहा है, कौन सा देखिए 10वां पद कौन सा आएगा 10वां पद। अब 10वां पद चलिए देखते हैं कहाँ पे लिखा है ऑप्शन, देखिए देखिए जब देखेंगे ध्यान से तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 10वां पद होगा आपका ना, 10वां पद क्या होगा 210, और इसी तरह आपको सवाल ज्ञात करना है, ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आएगा। अब देखिए फ्रेंड 17 नंबर का सवाल क्या है इसे ध्यान दीजिएगा, और 17 नंबर का सवाल देखिए हल कैसे करेंगे आप, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए फ्रेंड्स आयतनों का अनुपात किया कहा है, देखिए आयतन तो गोले का आयतन का फार्मूला आप सभी को पता होगा, गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है, यदि गोले का आयतन का फार्मूला पता है तो इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं, समझ में आ गया, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना गोला है, दो को गोला है ना, इसको आर वन मान लेते हैं और बटा के एक पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर टू का क्यू, आर वन मतलब पहले गोले का त्रिज्या है, ये दूसरे गोले का त्रिज्या है, ये 4/3 पाई 4/3 ये बराबर होता है, ठीक है चाहे कितना भी गोला ले ले उसमें यह मान बराबर होता है। ये देखिए अनुपात में दिया है, ये कितना लिखेंगे 64/27 लिखेंगे, इसलिए आयतनों का अनुपात है, देखिए 4/3 कटेगा पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर देखिए R1/R2 का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस तरह क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर हुआ 64/27। अब देखिए फ्रेंड्स क्यू को यहाँ पर तीन घात को हटाना है, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों के
घनमूल निकालने पद्धति के घनमूल का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे बना देंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि आप घनमूल निकालें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पे तीन है, यहाँ तीन से तीन हटेगा तो यहाँ पे आर वन बटा के आर टू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 64 का घनमूल कितना होता था, आप सभी को पता होगा 64 का घनमूल होता है 4 और 27 का घनमूल कितना होता है 3। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप 64 का इस तरह वर्गमूल जैसे निकालते हैं ना, निकाल के तीन तीन का जोड़ा बना के आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यानी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, और जो ये आया है त्रिज्याओं का अनुपात। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए 4πr² होता है, ये होता है, ये गोले का होता है। तो यहाँ पे दो गोला है तो पहले आर वन लेंगे तो एक गोला का हो जाएगा, ये 4πr² का स्क्वायर लेंगे तो दूसरा गोला, इसलिए कि आपके सवाल में देखिए अनुपात पूछा है तो इसलिए आपको बटा में लिखना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे बचेगा आर वन बटा के आर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्क्वायर है तो दो बार स्क्वायर है ना, तो इसको आप एक करके इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए आर वन बटा के आर टू का कितना दिया, 4/3 दिया है, 4/3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब इसका देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 16, 3 का स्क्वायर तितली के 9 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अनुपात में लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं, 16/9, तो जो अंश में रहता है उसे पहले लिखते हैं, जो हर में रहता है उसे बाद में लिखते हैं, बीच में ये अनुपात का चिन्ह है, तो 16/9। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं 16/9 दिया कहाँ पे। जब ऑप्शन में देखेंगे फ्रेंड्स 16/9 देखिए यहाँ पे ऑप्शन को लगाते समय ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि देखिए 16/9 भी दिया है और 9/16 भी दिया है, तो आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का सवाल 18 नंबर का सवाल है, इसको कैसे आप हल करेंगे। ठीक है, देखिए आपको 18 नंबर का सवाल भी हल करके बताते हैं। साइन थीटा का मान दिया है, कड़ी में 3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, और देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा सवाल को, बस ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया है ना, तो पहले आपको यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन थीटा कड़ी में 3/2 कितना का मान होता है। साइन थीटा आपको पता है कि साइन कितना का मान होता है, कड़ी में 3/60 का मान होता है ना, साइन से साइन हटेगा तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आया, 60 है, साइन का मान आ गया, अरे थीटा का मान आ गया 60 है। आपको ज्ञात क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कोसेक थीटा प्लस यहाँ पर क्या लिखना है, काट थीटा। अब थीटा का मान बस रख के इसको हल कर लीजिएगा। देखिए कोसेक थीटा का मान 60 अंश है, 60 अंश रखिए, काट थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, तो 60 अरे काट 60 अंश रख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2/3 होता है, और यहाँ काट 60 अंश का मान देखिए फ्रेंड्स कितना होता है, 1/3 होता है। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए आपका हर बराबर अंश को जोड़ लेंगे, 2 × 3/3। अब ऑप्शन में देखिए 3/3 दिया है, कहीं पे नहीं दिया था। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसका परिमेकरण करेंगे, परिमेकरण करना अभी आपको सिखाए हैं कि जब हार में कड़ी रहता है तो इसी का अंश में, कड़ी 3 का अंश में गुणा करेंगे और इसी कड़ी 3 का हार में गुणा करेंगे। तो देखिए अब गुणा कर लीजिए, देखिए 3 कड़ी में 3 होगा, कड़ी 3 का गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 3 × 3 कट गया, आपका कितना आया कड़ी में 3। अब देखिए ऑप्शन में कड़ी 3 देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल लगाना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 19 नंबर का सवाल आप कैसे लगाएंगे, यदि x+1, 3x+4x+2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांगत पद है तब x का मान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स समांतर श्रेणी दिया है, जब फ्रेंड्स समांतर श्रेणी दिया है तो पहले इसका सर्वांतर निकालिएगा। ठीक है, सर्वांतर देखिए सर्वांतर किससे दिखाता है, डी से दिखाते हैं। तो देखिए अब सर्वांतर ज्ञात करने का तरीका क्या बताएं, आपको जो नज़दीक में 2 पद होगा तो आपको अगले पद में से पहले पद को घटाना रहता है, यानी कि 3x में से क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए जब 2 पद रहेगा तो इसे छोटा कोष्टक बना के रखिएगा, x+1 रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3x जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल दीजिएगा, तो -x - 1 हो जाएगा। अब 3x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये देखिए डी है। तो आपका सर्वांतर आया तो इसे आप क्या करते हैं, डी वन से दिखा लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 2 को यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात कीजिएगा, तो दूसरा सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो देखिए अब D2 ज्ञात कर लीजिए। D2 कैसे ज्ञात करेंगे, अगले पद में से इस पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी 4x+2 में से क्या करना है, -3x कर लीजिए, घटाना है 3x में, घटा लीजिए, 4x में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जब सर्वांतर श्रेणी होता है तो वहाँ सर्वांतर जो होता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
जो सर्वांतर होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि डी वन बराबर डी टू होगा। क्या होगा? डी वन बराबर डी टू। डी वन का मान कितना है? दू एक्स माइनस वन है। डी टू का मान कितना है? यक्स प्लस दू है। अब देखिए यक्स को पक्षांतर, देखिए दू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ दू हो जाएगा, एक को पक्षांतर करेंगे प्लस एक हो जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना होगा? दू एक तीन। यक्स का मान कितना है फ्रेंड्स? तीन। तो इस प्रकार से जब भी आपको सवाल देगा तो जैसे बताएं उसी तरह आपको हल करना रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है आपका, तीन यक्स का मान, यहाँ यक्स का मान पूछा है, ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा सही जवाब होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल आप कैसे हल करेंगे, संख्याओं 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35 तथा 55 की माध्यिका पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब ऐसे श्रेणी देकर आपको माध्यिका पूछेगा तो पहले जो ये श्रेणी दिया रहेगा इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे क्या करते हैं कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में देखिए यहाँ पर लिखिएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम। जब फ्रेंड्स यहाँ आरोही क्रम लिखेंगे तो लिखिए, चलिए सबसे छोटी संख्या आपका क्या है? दो है, दो लिखिए। दो से बड़ा पाँच है तो पाँच लिखिए। पाँच से बड़ा क्या है? आठ है तो आठ लिखिए। आठ से बड़ा ग्यारह है तो ग्यारह लिखिए। अब ग्यारह से बड़ा देखिए फ्रेंड्स कौन सी संख्या है, तो ग्यारह से बड़ा इकतीस है तो इकतीस लिखिए। इकतीस से बड़ा पैंतीस, पैंतीस, पैंतीस से बड़ा पचपन तो पचपन लिख लीजिए। पचपन से बड़ा उनसठ है तो उनसठ लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जब आपको माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले संख्या गिनिए कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। जब आपका जो गिनने के बाद सम संख्या में आएगा, ये किस में आएगा? सम संख्या, जैसे आठ आ रहा है आपका तो आठ क्या है आपका? सम संख्या। जैसे आठ आएगा सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से आधा तीन इधर छोड़ देंगे, तीन इधर छोड़ देंगे, और बीच में जो दो संख्या बचेगा उन दोनों संख्याओं को क्या कीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। यानी कि ग्यारह देखिए जैसे बता रहे हैं फ्रेंड्स इसी तरह लगाइएगा, आसानी से आ जाएगा। ग्यारह प्लस इकतीस जोड़िएगा, और इसमें जब माध्यिका ज्ञात करना रहेगा तो दो का भाग दे दीजिएगा। देखिए जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक एक दो तीन एक चार, और बटा के दो भाग देंगे, दो दो चार दो एक दो, कितना आया माध्यिका? इक्कीस। ये आप आसानी से इस विधि से जैसे बताएं आप आसानी से लगा सकते। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 21 कहां पे दिया है, तो यहां पे 21 आपका ये दिया है, आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी सवालों को आपको फ्रेंड्स लगाना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी प्रकार से मैथ के प्रत्येक चैप्टर और जितने आपके रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार आपको कराते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको चैप्टर वाइज भी वन शॉट मैथ का नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने मैथ को अच्छे स्ट्रांग कर सकते हैं और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% लाने का टारगेट बनाए हैं, तो आप आसानी से उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।